तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा आईआईटी गांधीनगर के बारे में। आईआईटी गांधीनगर में इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, जो ब्रांचेज बचे हुए हैं, यानी कि कुछ ब्रांचों में इंटरव्यू होगा, कुछ ब्रांचेज में इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। तो आईआईटी गांधीनगर के बारे में पूरा वीडियो होने वाला है। आईआईटी गांधीनगर का प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने कट ऑफ के बारे में बात की थी, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आईआईटी गांधीनगर के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ मैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में अगर आप लोग देखेंगे तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट एंड आर इंटरव्यू फॉर रेगुलर एमटेक, यानी कि जो रेगुलर एमटेक होता है उसमें जो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। किन ब्रांच के बच्चों के लिए? बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग होता है ब्रांच, उसमें जो है रेगुलर एमटेक के लिए जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया हुआ है। एंड अर्थ साइंस यानी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड अर्थ साइंस में केवल इंटरव्यू होगा, ठीक है। मतलब किन दोनों में जो है बुला लिया गया है, किसके लिए? रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये आपका नो मोर पे क्लिक करके आप लोग जो है, जो लोग इस दोनों ब्रांच में आप लोग अप्लाई किए होंगे, नो मोर पे क्लिक करके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अपना जो है अपना नाम चेक कर सकते हैं, है उसमें कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है इन दोनों ब्रांचेज के बारे में हो गया, बायोलॉजिकल और अर्थ साइंस। और नीचे अगर आप लोग आएँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फार सिविल इंजीनियरिंग यानी कि सिविल ब्रांच, केमिकल ब्रांच और कंप्यूटर साइंस ब्रांच, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इसमें लिखा है, पूरा पूरा साफ साफ आप लोग पढ़ सकते हैं कि द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर रेगुलर एमटेक, यानी जो लोग रेगुलर एमटेक करेंगे, प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन गेट स्कोर, यानी कि केवल गेट स्कोर और अकेडमिक परफॉर्मेंस। अकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब कि आपका बीटेक में परसेंटेज ठीक ठाक तक नहीं, हाई स्कूल इंटर में तक नहीं, यानी कि केवल अकेडमिक परफॉर्मेंस और गेट स्कोर के बेसिस पे आपका जो है रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन कोप पोर्टल। तो कोप पोर्टल पे आपका रिजल्ट जो है अनाउंस किया जाएगा, ठीक है, अकेडमिक परफॉर्मेंस और गेट स्कोर के बेसिस पे। तो ये आपका आईटी भुवनेश्वर का था। तो आप लोग 20 मई से ऑफर आना स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे सीधा डायरेक्ट कोप पोर्टल पे आप लोग चेक करिए। अगर आप लोग जो है इन ब्रांचों में लाई करते हो, केमिकल और क्या कहते हैं इन सभी ब्रांचों में, यानी कि एक्सेप्ट बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड अर्थ साइंस, ठीक है, तो इन दोनों ब्रांचेज के अलावा आप लोग जो है कोप पोर्टल पे सीधा देखना, ऑफर आएगा 20 मई के बाद, ठीक है। 20 मई से आपका जो है ऑफर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और कोप के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, इंपॉर्टेंट डेट के जो है वीडियो आप लोग देख सकते हैं, 21 तारीख को कौन सा ऑफर आएगा और आपको फीस कितने दिन में सबमिट करने रहते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग जो है पूरा देख सकते हैं इससे पहले वाला, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।